हेलो बच्चों, कैसा आप सब? बेटा बच्चों, आज आपके पॉलिटेक्निक की प्रिपरेशन का सेकंड डे है। ये हिंदी मीडियम का वीडियो है। अगर आप इंग्लिश मीडियम हो तो आप अलग से वीडियो देखें, क्योंकि मेरे सारे वीडियो हिंदी मीडियम के और इंग्लिश मीडियम के सेपरेट होते हैं। तो अगर इंग्लिश मीडियम हो बच्चों तो आप अलग वीडियो देखें। देखिए बच्चों, पॉलिटेक्निक की प्रिपरेशन करने से पहले मैं आपको कुछ अपना पहला रिजल्ट दिखाना चाहूँगा। ये इस प्रकार का रिजल्ट है जिसमें आप देख सकते हो कि दिल्ली और अदर स्टेट के टॉप लेवल के रैंक के बच्चे हैं, जिसमें सबका एप्लीकेशन और रोल नंबर मैंने आपको दे रखा है। या आप इजीली गूगल पे डाल के चेक कर सकते हैं सबके डिटेल। ऐसे ही 2017 का रिजल्ट देखिए, ये टॉप लेवल के बच्चे हैं, आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। ऐसे ही 2018 का एक पेज तो ये रिजल्ट है, और एक रिजल्ट ये है, आप देख सकते हैं 183 गवर्नमेंट सिलेक्शन है। तो ये टॉप लेवल के सारे बच्चे थे जिनको बहुत अच्छे कॉलेज मिले हैं, गवर्नमेंट कॉलेज मिले हैं। 2019 का जो रिजल्ट था उसको मैंने लाइव रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब पे डाल रखा है, जिसमें एक एक बच्चे ने अपना रिजल्ट खुद बताया है। तो ये रिजल्ट मैं आपको क्यों बता रहा हूँ बेटा, ये बच्चों में आपको रिजल्ट इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको अंदर एक कॉन्फिडेंस आ सके कि अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो ना तो भी आप बहुत अच्छा रिजल्ट ला सकते हो, क्योंकि इनमें कुछ बच्चे एवरेज हैं जिनकी बहुत अच्छे रिजल्ट आए। जो इंटेलिजेंट है वो तो अलग ही है, जो एवरेज बच्चा है उसने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, उसने भी टॉप लेवल का रिजल्ट ला के दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने यहाँ पर आके, हमारे पास आके इस एग्जाम की तैयारी करने का तरीका समझा। ये एग्जाम ऐसा नहीं है कि आप जैसे सोच रहे हो कि इसमें याद करना है, याद नहीं करना है, आपको चीजों को समझना है और पॉइंट टू पॉइंट समझना है। तो हमारा 60 डे का टारगेट होता है, 60 डे के अंदर आपको सब कुछ बताते हैं, पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाते हैं, रोज पर डे वन चैप्टर समझाते हैं, और आपको रोज वन चैप्टर याद करना है और सब कुछ याद नहीं करना, केवल पॉइंट टू पॉइंट। जैसे शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ क्या होता है तो आपको याद रखनी है, शुद्ध पदार्थ वो होता है जिसका क्वथनांक और गलनांक, क्या बोला मैंने, क्वथनांक और गलनांक स्थिर होता है। क्या सुन लिया आपने? शुद्ध पदार्थ वो होता है जिसका क्वथनांक और गलनांक स्थिर होता है, जैसे कि पानी और नमक, ये शुद्ध पदार्थ है क्योंकि इनका क्वथनांक और गलनांक बिल्कुल स्थिर रहता है एक निश्चित तापमान और दाब पर। तो जिसका क्वथनांक और गलनांक स्थिर होगा वो शुद्ध पदार्थ होगा। पहली डेफिनेशन ही हो गई। तो आपको पूरी लाइन याद नहीं करनी, केवल इतनी बात याद करनी है कि शुद्ध पदार्थ जिसका क्वथनांक और गलनांक स्थिर हो, बस खत्म हो गया, इतना ही बात आपको समझना है। मिश्रण क्या होता है? तो मिश्रण का अर्थ होता है दो या अधिक पदार्थों का मिलना, दो या अधिक पदार्थों का आपस में क्या होना, मिलना, मिश्रण कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने पानी के अंदर नमक घोल दिया तो दो पदार्थ मिल गया ना, एक पानी हो गया एक नमक हो गया, यहाँ दो पदार्थ हो गए, तो ये बच्चों मिश्रण होता है। बच्चों साइंस के अंदर मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, एक को बोलते हैं समांगी मिश्रण और एक को बोलते हैं विषमांगी मिश्रण। साइंस में मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है समांगी मिश्रण और एक होता है विषमांगी मिश्रण। याद रहेगा, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। अब ये समांगी मिश्रण क्या होता है मैं आपको पहले एग्जांपल समझाता हूँ, फिर इसकी डेफिनेशन बताऊंगा, आपको याद हो जाएगा। आप सबने अब तक कभी ना कभी पानी के अंदर चीनी घोला होगा या पानी के अंदर नमक घोला होगा, क्या हुआ, वो पूरी तरह से पानी में घुल जाता है ना, तो बच्चों वो समांगी मिश्रण होता है। तो अब इसकी परिभाषा बताता हूँ। समांगी मिश्रण के अवयव में कोई पृथक्करण सीमा रेखा नहीं दिखती। सीमा रेखा नहीं दिखती का मतलब क्या है? जब आप चीनी को पानी में घोल देते हो या नमक को पानी में घोल देते हो तो आपको कोई चीनी तो नहीं दिखाई देता ना उसके अंदर, आपको ना नमक दिखाई देता है पानी के अंदर, तो उसकी कोई सीमा रेखा दिखाई नहीं देती, इस लाइन का मतलब ये था। दूसरा, इसके द्रव्यमान में एक रूपी संरचना पाई जाती है। इसका एक रूपी संरचना का मतलब है सारा का सारा जो पार्टिकल होगा वो पूरी तरह से डिजोल्व हो जाएगा, वो घुल जाएगा। और तीसरा, सभी समांगी मिश्रण विलयन होते हैं, अर्थात समांगी मिश्रण को बच्चों विलयन भी कहते हैं। जैसे पानी में हमने चीनी घोला तो आप, मैंने बोला वो समांगी मिश्रण है, तो अगर कोई बच्चा उसे विलयन बोलता है तो वो भी ठीक है। अब एग्जाम में सुनिए, एग्जाम में आ गया कि पानी के अंदर नमक घोला तो उसे आप क्या बोलोगे? तो ऑप्शन में अगर समांगी मिश्रण है तो समांगी मिश्रण टिक करोगे, और अगर समांगी मिश्रण नहीं है तो घबराना नहीं है, आपको विलयन टिक कर देना है। तो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन हुआ। अब आपके दिमाग में होगा, सर जी अगर दोनों ऑप्शन आ गए तो भाई जो एग्जाम बनाने वाला है वो कोई समोसे थोड़ी बेक रहा है, एग्जाम बनाने वाले को पता है कि उसे एग्जाम में क्या लिखना है। अगर दोनों ऑप्शन हुआ तो वहां पर तीसरा ऑप्शन होगा दोनों, तो आप दोनों भी टिक कर सकते हो, ठीक है? तो इस चीज के लिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल लॉजिकल बात करनी है और लॉजिकल चीज समझनी है। अब देखो, मैंने आपको सारा याद नहीं कराया, मैंने आपको सिर्फ इतनी बताई
कि समांगी मिश्रण, इसमें सीमा रेखा नहीं होती, एक रूपी संरचना होती है और ये समांगी मिश्रण जो होती है विलयन होती है। केवल इतनी बात आपको याद करनी है, ये भी याद नहीं करना पूरा का पूरा, ठीक है। केवल पॉइंट टू पॉइंट तैयारी करनी है, आपका रैंक एक बार में आएगा और टॉप लेवल के बच्चे होंगे। आप किसी भी स्टेट की पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हो ना हिंदी मीडियम, तो ये वीडियो आपके लिए बनाई गई है। किसी भी स्टेट की एग्जाम की तैयारी करने के लिए ये वीडियो आपके लिए तैयार है। देखिए विषमांगी मिश्रण क्या होता है जी, विषमांगी मिश्रण के अवयव में पृथक्करण सीमा दिखाई देती है। जैसे अगर आप पानी के अंदर रेत घोल दो तो क्या होगा, रेत आपको दिखाई देगा ना, पानी के अंदर अभी भी रेत आपको दिखाई देगा, तो ये बच्चों उसकी सीमा रेखा दिखाई देती है। और इसमें एक रूपी संरचना नहीं होती क्योंकि उसमें रेत दिखाई दे रहा है, तो उसमें एक रूपी संरचना नहीं होगी। क्लियर हो गया? तो ये विषमांगी मिश्रण की दो बातें याद रखनी है, पहला इसमें सीमा रेखा दिखाई देती है और इसमें एक रूपी संरचना नहीं होती है। केवल ये दो चीज ही याद रखना है विषमांगी मिश्रण के बारे में। अब आता है बच्चों विलयन क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण। देखो आप पहले पढ़ चुके हो, आपको ये टॉपिक आप छोड़ भी सकते हो, क्यों, क्योंकि आप जान चुके हो कि समांगी मिश्रण ही विलयन होता है। अभी मैंने आपको ऊपर क्या बताया था कि समांगी मिश्रण को ही विलयन कहते हैं, तो हम क्यों याद करें विलयन की परिभाषा। इतनी बात याद रखो, समांगी मिश्रण विलयन होता है और विलयन ही समांगी मिश्रण होता है, खत्म हो गई बात। इतनी सारी बातें क्यों याद करूं, क्यों अपने दिमाग में इतनी सारी बातें डालूं, समांगी मिश्रण विलयन है, विलयन समांगी मिश्रण है। इतनी बात आपको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चलना है और पॉइंट टू पॉइंट आपको पूरा चैप्टर समझना है, जल्दी याद होगा, कंफ्यूज भी नहीं होंगे आप और तैयारी आपकी बहुत अच्छे से हो जाएगी। नेक्स्ट, विलयन के मुख्य अवयव। बच्चों विलयन के दो अवयव होते हैं, कितने अवयव होते हैं, दो, एक होता है विलायक और एक होता है विलय। याद रखोगे विलयन के दो भाग होते हैं, एक को बोलते हैं विलायक और एक को बोलते हैं विलय। इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्वेंट और इसे बोलते हैं सॉल्यूट, ठीक है। अब ये विलायक क्या होता है, तो विलायक समझिए वह पदार्थ जो विलयन में अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में होता है। इतना याद करना है, जो अधिक मात्रा में होता है वो विलायक होता है। मैं एग्जांपल समझाता हूं बेटा, आपने पानी के अंदर चीनी घोला था तो पानी ज्यादा होगा, तो पानी जो होगा वो विलायक है, जो जल होगा वो विलायक है क्योंकि उसकी मात्रा बेटा ज्यादा है। क्लियर हो गया? सर जी फिर विलय क्या होता है, आप खुद बता सकते हो, जिसकी मात्रा कम हो। पर इतना ही याद करना है, ये मैंने कहा ना ये पूरी लाइन भी क्यों याद करोगे, इतना याद करो ना, जिसकी मात्रा ज्यादा हो वो विलायक है, जिसकी मात्रा कम हो वो विलय है। पानी में आपने चीनी घोला था तो जो चीनी होगा वो विलय होगा, जो नमक होगा वो विलय होगा क्योंकि उसकी मात्रा कम है और पानी ज्यादा है तो वो विलायक है। क्लियर हो गया? विलायक विलय, तो विलयन के दो भाग होते हैं विलायक और विलय। विलायक जिसकी मात्रा ज्यादा हो, विलय जिसकी मात्रा कम हो। क्लियर हो गया? अब आते बेटा नेक्स्ट पॉइंट पे। ये देखिए, ये अभी पिछले साल कई एग्जाम, कई स्टेट के एग्जाम आया था, टिंचर आयोडीन बहुत फेमस है क्वेश्चन, आता ही आता है टिंचर आयोडीन। तो ये टिंचर आयोडीन बेटा दो चीजों से मिलकर बना है, याद रखना आपको, एक एल्कोहल, याद रखोगे एल्कोहल, एक तो एल्कोहल और आयोडीन। एल्कोहल और आयोडीन दोनों को मिलाने पर, एल्कोहल और आयोडीन को मिलाने पर टिंचर बनता है। क्या बनता है बेटा? टिंचर। किससे बनता है टिंचर? आयोडीन और एल्कोहल को मिलाने से। इसका यूज क्या है? इसका यूज हम एंटीसेप्टिक में करते हैं। चलिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं, डिटॉल आपने बहुत फेमस नाम है सुना होगा, चोट लगने पे तुरंत लगा लेते हो, घर में सबको पता है डिटॉल। तो डिटॉल जो है वो कंपनी का नाम है बेटा, उसके अंदर जो लिक्विड है वो टिंचर है। टिंचर जो होता है वो लिक्विड होता है जो दो चीजों से मिलकर बनता है, आयोडीन और अल्कोहल, इन दोनों को मिलाकर टिंचर बनता है और ये एंटीसेप्टिक होता है। तो इस दो चीज का आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चांदी और सोना, ठीक है, कि विलयन का उपयोग सोने के आभूषण बनाने में होता है। सबको पता है आपको कि चांदी और सोने के जो विलयन होते हैं उनका उपयोग कहां करते हैं हम, सोने के आभूषण बनाने में। तो ये आपको कोई खास बात तो है नहीं, या सबको पता है, तो ये पॉइंट आप स्किप भी कर सकते हो, छोड़ सकते हो, ठीक है। अब ब्रॉन्ज, कई बच्चों को पता नहीं होता, ब्रॉन्ज बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है। ब्रॉन्ज कैसे बनता है? ब्रॉन्ज बेटा दो चीजों से मिलकर बनता है, कॉपर और जिंक। कॉपर और जिंक, कॉपर और जिंक को मिलाकर क्या बनता है बेटा? ब्रॉन्ज बनता है। तो इस चीज का ध्यान रखना है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट समझना है। आप ऐसे भी लिख सकते हो अपनी कॉपी में, कॉपर प्लस जिंक इक्वल टू ब्रॉन्ज, कि कॉपर और जिंक को मिला देंगे तो ब्रॉन्ज बनेगा। क्लियर हो गया? तो दो चीज याद रखना, कॉपर और जिंक को मिलाकर ब्रॉन्ज बनता है। ये पूरी लाइन भी क्यों याद करोगे, बस इतनी सी बात अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लेना, एक एक चीज को पॉइंट टू पॉइंट आप फेयर कॉपी में नोट करते जाइए, आपका रैंक एक बार में 100% आ जाएगा।
आपको पता है मिश्र धातु क्या होती है, आपको ऑप्शन दे देंगे। मिश्र धातु क्या होता है, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, आपको दे देगा कोलाइड है, आपको दे देगा सस्पेंशन है, क्या कंफ्यूज हो जाओगे। याद रखो मिश्र धातु जितनी भी होती है वो समांगी मिश्रण होती है, याद रखोगे मिश्र धातु समांगी मिश्रण है। और ये कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं कह रहा मैं, अभी जो एग्जाम हुए थे प्रीवियस ईयर के आप उठा के देख लो अपने स्टेट के बोर्ड के एग्जाम, आपको पिछले सालों में मिल जाएगा। दिल्ली पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हो तो आप, मैंने अपने यूट्यूब पे डाल रखा है एक एक चार पांच साल का पेपर डाल रखा है, आप उठा के देख लो क्वेश्चन मिल जाएगा कि मिश्र धातु समांगी मिश्रण है, क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम के अंदर। तो जो भी पॉइंट है वो सब एग्जाम में आ चुका है, कोई भी फालतू चीज नहीं है। हाँ आप फालतू चीजें हटा सकते हो, क्यों, क्योंकि आप अलग अलग चीजों से सर्च करते रहते हो, अपना टाइम फोड़ते हो। अरे भाई एक जगह बिल्कुल स्थिर हो जाओ, एक YouTube को पकड़ लो, चाहे मेरा YouTube हो या किसी का YouTube हो, एक जगह पकड़ लो जो पूरी तैयारी कराए आपकी, और बिल्कुल आराम से बेटा कॉपी में तैयारी करो, क्योंकि आपकी जो जीवन है वो बहुत बहुमूल्य है, ये समय वापस नहीं मिलेगा आपको, ठीक है बेटा। तो बड़े आराम से तैयारी करो बढ़िया से। मिश्र धातु क्या होती है बेटा, समांगी मिश्रण। आगे बढ़ते बेटा विलयन, विलयन के गुण। अब एग्जाम में क्या करते हैं, विलयन के गुण पता है क्या करते हैं, विलयन के तीन चार गुण दे देगा, उसमें तीन गुण तो होंगे, चौथा गुण नहीं होगा, तो वो आपको ढूंढना पड़ेगा। क्वेश्चन दे देगा विलयन के इनमें से कौन सा गुण नहीं है। तो पहले मैं बताता हूं विलयन के गुण कौन कौन से होते हैं। तो विलयन समांगी होता है, पहले पढ़ चुके हैं। इसके जो कण होते हैं वो एक नैनोमीटर के बराबर होता है और इसे आंखों से नहीं देख सकते। क्लियर हो गया, बिल्कुल। देखो मैंने इतनी सारी बातें लिखी है ना, फिर मैंने आपको तो नहीं समझाया, क्यों नहीं समझाया, क्योंकि आवश्यकता ही नहीं है इतनी बातें समझने की, केवल पॉइंट टू पॉइंट समझना है। विलयन समांगी होता है, 1 नैनोमीटर साइज होता है, आंखों से दिखाई नहीं देता है, प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता, इसमें प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता, छानने की विधि से इसको पृथक नहीं किया जा सकता, छानने द्वारा फिल्टर करके हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते। भाई आपने चीनी को घोल दिया पानी में तो आप अगर छानोगे, घर पे छान के देख लेना, नहीं होगा ना सेपरेट, तो याद करने की आवश्यकता क्या होता है, ऐसी याद हो गया। और विलयन को अगर शांत छोड़ दें तो इसकी जो कण हो गया वो तली में नहीं बैठेंगे, कण नहीं बैठेंगे, ठीक है। तो ये सारे जो फीचर्स हैं वो किसके हैं, विलयन के। अब आते हैं एग्जाम में, एग्जाम में क्या करते हैं पता आपको, एग्जाम में ऐसा आता है इनमें से कौन सा विलयन के गुणधर्म नहीं है। ऑप्शन ए समांगी है, आंखों से नहीं देख सकते कण है, प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है। अब ये गलत है, देखो ध्यान से, क्योंकि इसमें प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता और उसमें क्या बोला, प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है, तो आप तुरंत पकड़ लो उसे कि विलयन के गुण में प्रकाश के मार्ग दिखाई नहीं देता, जबकि क्वेश्चन में है दिखाई देता है। तो मैं आपको ये भी समझा रहा हूं पॉइंट टू पॉइंट कि एग्जाम में बेटा किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो विलयन के ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आपको तीन चार गुणधर्म दे देगा, इनमें से एक गुणधर्म ऐसा होगा जो विलयन के नहीं होंगे, तो वो आपको पहचानना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब विलेय की मात्रा के आधार पर विलयन बेटा दो प्रकार के होते हैं, एक होता है संतृप्त विलयन और एक होता है असंतृप्त विलयन। क्लियर हो गया, विलयन दो प्रकार के होते हैं। अच्छा ऊपर जो आपने पढ़ा था वो थे विलयन के भाग, उसे बोलते हैं विलयन के भाग। जो आपने पढ़ा था विलेय और विलायक, वो था विलयन के भाग। ये क्या है, विलयन के प्रकार। विलयन के भाग और विलयन के प्रकार में अलग अलग टाइप होती है। विलयन के भाग पार्ट्स, उसे बोलते हैं पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन, ये है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो विलयन बेटा दो प्रकार की होती है, एक होती है संतृप्त विलयन और एक होती है असंतृप्त विलयन। याद रखोगे संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन। अब ये संतृप्त विलयन क्या होती है, तो जिस विलयन में निश्चित ताप पर और अधिक विलय नहीं घुल सकता, इतना याद रखो, जिसमें और अधिक विलय नहीं घुल सकता वो संतृप्त विलयन है। कौन होता है संतृप्त विलयन, जिसमें और अधिक विलय नहीं घुल सकता। फॉर एग्जाम्पल आपने गिलास पानी लिया, उसमें एक चम्मच चीनी घोला, फिर दो चम्मच, तीन चम्मच, चार चम्मच, पांच चम्मच, कभी तो ऐसा होगा कि चीनी जो है पानी के अंदर घुलना बंद हो जाएगा। तो जब चीनी पानी के अंदर घुलना बंद हो जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, और अधिक विलय नहीं घुल सकता। विलय मतलब चीनी, तो और अधिक चीनी नहीं घुल सकता तो उसे संतृप्त विलयन कहेंगे। क्लियर हो गया मेरे एग्जाम्पल से। अब असंतृप्त विलयन क्या होता है, तो उल्टा कर दो, एक विलयन जिसमें और अधिक विलय पदार्थ की मात्रा घुल सकता है, तो विलय पदार्थ की मात्रा संतृप्त स्तर से अधिक हो, संतृप्त स्तर से अधिक हो तो जिसके अंदर और ज्यादा जो विलय है वो घुल सकता है, जिसके अंदर और अधिक विलय घुल सकता है उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं, ठीक है। तो दो प्रकार होते हैं संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त में विलय नहीं घुल सकता और असंतृप्त में विलय घुल सकता, इतनी बात आपको याद रखनी है बस।
विलयन की सांद्रता। इसका फॉर्मूला अक्सर पूछता है कि विलयन की सांद्रता का सूत्र क्या है, तो विलयन की सांद्रता के बेटे दो सूत्र होते हैं, तो डिपेंड ऑन द क्वेश्चन कि आपको ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। एक फॉर्मूला होता है विलय की मात्रा अपॉन में विलयन की मात्रा, विलय याद है ना, जिसकी मात्रा कम हो, और विलयन तो पूरा ही हो गया, तो विलयन की सांद्रता का पहला फॉर्मूला होता है बेटा विलय की मात्रा अपॉन में विलयन की मात्रा। और विलयन की सांद्रता का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, विलयन की सांद्रता का दूसरा फॉर्मूला होता है विलय की मात्रा अपॉन में विलायक की मात्रा। क्लियर हो गया? तो विलयन की सांद्रता के दो फॉर्मूले होते हैं, एक बार दोबारा बताता हूं। विलयन की सांद्रता का पहला फॉर्मूला था विलय की मात्रा अपॉन में विलयन की मात्रा, यहां विलयन था, और दूसरे फॉर्मूले में विलय की मात्रा अपॉन में विलायक की मात्रा। ठीक है, तो सर जी दो फॉर्मूले हैं, तो ऑप्शन में क्या आएगा? ऑप्शन में आपको बता चुका हूं कि दोनों में से कोई एक आएगा, तो वो आपको ऑप्शन पे टिक करना पड़ेगा कि दोनों में से कौन सा है। ठीक है, आते हैं द्रव्यमान विलयन की द्रव्यमान प्रतिशत। जी हाँ, ये फॉर्मूला है विलयन की द्रव्यमान प्रतिशत कैसे निकालते हैं। तो बच्चों विलयन की द्रव्यमान प्रतिशत निकालने का मेथड होता है विलेय पदार्थ का द्रव्यमान अपॉन में विलयन का द्रव्यमान मल्टीप्लाई में 100। किसका फॉर्मूला होता है ये? विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत, विलयन में विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत। ऐसे एक होता है विलयन के आयतन प्रतिशत, वो क्या था? विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत, और ये क्या है? विलयन का आयतन प्रतिशत। तो दोनों का फॉर्मूला सेम है, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान ऊपर भी यही था, और विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान इनटू में 100। तो एग्जाम में विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत पूछे तो भी ये फॉर्मूला लगाना, और विलयन के आयतन प्रतिशत पूछे तो भी आप फॉर्मूला सेम लगाना, क्योंकि दोनों का सूत्र जो होता है बच्चों वो सेम होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं निलंबन। अब ये निलंबन क्या है? तो निलंबन के गुण, तो पहले निलंबन के गुण समझ लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा एग्जाम में किस प्रकार से पूछ सकता है। तो निलंबन क्या होता है? विषमांगी होता है। अब तक जो आप पढ़ रहे थे वो विलयन पढ़ रहे थे, यहां तक जितने भी टॉपिक थे बच्चों विलयन थे, यहां पे आपका विलयन खत्म होता है। विलयन जो था वो समांगी मिश्रण था, यहां पे आपका समांगी मिश्रण वाला टॉपिक खत्म हो गया। क्लियर है? अब आएगा विषमांगी मिश्रण, विलयन के बाद आता है निलंबन। तो निलंबन क्या है? विषमांगी। आपको बताऊं 99% एग्जाम के अंदर यही पूछता है, निलंबन है, ऑप्शन दे देगा समांगी, विषमांगी, विलयन और कुछ और लिख देगा, तो विषमांगी है भाई, डायरेक्ट टिक कर दो विषमांगी, खत्म। इतनी सारी बातें तो मैं, मुझे नहीं लगता कि कोई पढ़ाता भी होगा, कोई बताता भी होगा, लेकिन फिर भी बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि भाई वक्त का भरोसा नहीं कब पलट जाए, इसलिए सब कुछ पढ़ के जाऊं, सब कुछ आना चाहिए, और इससे बाहर आ जाए तो मुझे बता देना कमेंट करके, सर इससे बाहर कुछ क्वेश्चन आ गया, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, मेरा रिजल्ट देख लो ना, रिजल्ट बता देता है टीचर के बारे में कि आपको क्या पढ़ा रहा है। किसी भी टीचर से पढ़ो पहले रिजल्ट चेक करो ना कि रिजल्ट क्या है। तो जो चीज पढ़ रहे हो वो एक्सपीरियंस की बेस पर पढ़ा रहा हूं कि इससे बाहर नहीं आता, ये सब कुछ है, सब कुछ इकट्ठा करके रख दिया आपके लिए। निलंबन क्या होता है? तो विषमांगी होता है। निलंबन के कणों का आकार क्या होता है? तो 1 नैनोमीटर से अधिक होता है। वहां क्या था? 1 नैनोमीटर, और यहां 1 नैनोमीटर से अधिक होता है, और इन्हें हम आंखों से देख सकते हैं। क्लियर हो गया? इसमें प्रकाश के कण जो होते हैं वो फैला देते हैं, ये प्रकाश के कणों को फैला देते हैं, जिसके कारण हमें मार्ग, प्रकाश का मार्ग दिखाई, दृष्टिगोचर हो जाता है। दृष्टिगोचर मतलब प्रकाश का जो मार्ग है वो हमें दिखाई देता है। और जब निलंबन को बिना रुकावट रखा जाता है तो इसके कण क्या होते हैं? तली में बैठ जाते हैं। इसके कण तली में बैठ जाते हैं, किसके? निलंबन के। और छानन विधि द्वारा हम इसको अलग कर सकते हैं, छानन विधि द्वारा हम इसको अलग कर सकते हैं। ये सब किसकी फीचर्स थे? ये सब निलंबन के थे। पहले एक निलंबन का बेहतरीन एग्जांपल समझ लो, पानी के अंदर रेत घोला, नहीं घुलेगा, कभी नहीं घुलेगा, आपको लगेगा भी घुल गया तो आप थोड़ी देर छोड़ दो, दोबारा रेत नीचे बैठ जाएगा। तो निलंबन जो होता है वो पानी और रेत, याद रखो निलंबन का बेस्ट एग्जाम्पल है। तो ये एक विषमांगी मिश्रण हो गया क्योंकि नहीं घुलता, इसमें कणों का साइज 1 नैनोमीटर से ज्यादा है तो हमें दिखाई देता है, आपको अपने आप याद होने लगेगा। निलंबन के कण जो होते हैं प्रकाश को फैला देते हैं, इसलिए हमें निलंबन के अंदर मार्ग, प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है। निलंबन को अगर शांत छोड़ दिया जाए तो उसके कण जो है तली में बैठ जाते हैं, और छानन विधि द्वारा हम निलंबन को अलग कर सकते हैं, रेत को छान सकते हैं, ठीक है, फिल्टर द्वारा। अब बच्चों होता क्या एग्जाम में अधिकतर ऐसे क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा निलंबन के गुणधर्म नहीं है, ये पूछेगा। दे देगा विषमांगी, तो विषमांगी तो है, आंखों से देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं।
इसके कण इसके जो कण हैं वो तली में बैठ जाते हैं, बिल्कुल बैठ जाते हैं। प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है दिखाई नहीं देता तो ये गलत है, क्योंकि इसमें तो प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है। तो इस चीज का ध्यान रखना बेटा कि एग्जाम में किस प्रकार से आपसे पूछा जा रहा है, क्लियर है? तो इस चीज का ध्यान रखना आप। अगला आता है बेटा कोलाइड। कोलाइड क्या होता है? तो कोलाइड भी एक विश्वांगी मिश्रण है। देखिए कोलाइड की एक्चुअल परिभाषा कम से कम 3 से 4 लाइन में, तो क्यों याद करें भाई? वहां क्या 3 से 4 लाइन लिखनी पड़ेगी क्या? ये कोई सीबीएसई का एग्जाम थोड़ी है या कोई स्टेट का एग्जाम थोड़ी है आपका, ये कंपटीशन एग्जाम है। कंपटीशन एग्जाम है वही जीतता है जो तैयारी करने का तरीका जानता है। अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो ना तो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि आप शॉर्टकट ढूंढते हो। हाँ, एवरेज स्टूडेंट की पहचान होती है वो चीजों को शॉर्टकट ढूंढता है, तो आपके लिए बनाया कंपटीशन एग्जाम, आप जल्दी क्वालिफाई कर लोगे क्योंकि आप शॉर्टकट ढूंढ रहे हो, और वो सही है कंपटीशन एग्जाम में, बच्चा सही है कि वो चीजों को शॉर्टकट याद कर रहा है। अब कोलाइड की डेफिनेशन 3 लाइन में क्यों याद करें, वहां लिखना थोड़ी है, और सबका एक ही मतलब है, कोलाइड विषमांगी है, खत्म हो गई बात, इतनी खत्म कर दो। कोलाइड क्या होता है? विषमांगी होता है, और इसका बेस्ट एग्जाम्पल दूध है, याद रखना दूध कोलाइड होता है। मैं तीनों का एग्जाम्पल बताता हूं। विलयन में क्या बताया था? पानी और चीनी। निलंबन में क्या बताया था? पानी और रेत। और कोलाइड में क्या बता रहा हूं? दूध। ये सबके एग्जाम्पल आपको बेस्ट एग्जाम्पल दे दिए। एक बेटा टिंडल प्रभाव क्या होता है? तो देखिए जब कोई प्रकाश की किरण होती है ना बेटा, प्रकाश की किरण जब किसी कोलाइड से गुजरती है, किससे गुजरती है? कोलाइड से। मैं इतनी चीजें नहीं याद कराऊंगा, इतनी चीजें क्यों याद करोगे, जब थोड़ी सी बात याद कर लो ना। जब प्रकाश की किरण कोलाइड से गुजरती है तो उसका हमें मार्ग दिखाई देता है, क्योंकि प्रकाश को फैला देती है। जब प्रकाश की किरण, 3 बातें याद बोलिए, प्रकाश की किरण कोलाइड से गुजरता है तो वो प्रकाश को फैला देता है, इसको हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। क्लियर हो गया? क्या होता है टिंडल प्रभाव? जब प्रकाश की किरण कोलाइड से गुजरता है तो वो प्रकाश को फैला देता है, इसे हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। हम टिंडल प्रभाव कहां देख सकते हैं? एक कमरे में छोटे से छिद्र, अगर छोटा सा कमरे में छिद्र, उसके अंदर धूप, अगर आपने देखा होगा कि कहीं पे छोटा सा कमरे में छोटा सा छिद्र है और उसके अंदर से धूप आ रही है, तो आपने देखा होगा बहुत छोटे छोटे कण आपको दिखाई दिए होंगे, बड़े अच्छे से दिखाई देते हैं, है ना? वैसे दिखाई नहीं देंगे, लेकिन छोटे से अगर छेद से अगर वो प्रकाश की किरण आ रही हो रूम के अंदर, तो आपको छोटे छोटे पार्टिकल दिखाई देंगे। बच्चों वही तो टिंडल प्रभाव है, वही टिंडल प्रभाव है। और एक जगह और दिखाई देता है बेटा, घने जंगल में। तो अगला एग्जाम्पल वही है, घने जंगल में भी दिखाई देता है। जब घने जंगल में आप जाओगे ना, अगर आप शहर में रहते हो तो मुश्किल है जाना, बट आप मूवी वगैरह में देख सकते हो कि जब घने जंगल में जाते हैं ना, सुबह सुबह का मौसम होता है, तो आप देखोगे जब प्रकाश की किरण पत्तों के बीच से आती है तो वो फैली भी दिखाई देती है, हमें प्रकाश की अलग अलग किरणें दिखाई देती है। तो वो भी बच्चों किसका एग्जाम्पल है? टिंडल प्रभाव। तो टिंडल प्रभाव के 2 एग्जाम्पल दिए, एक कमरे के अंदर छिद्र वाला एग्जाम्पल और एक घने जंगल वाला एग्जाम्पल। क्लियर हो गया? तो टिंडल प्रभाव की परिभाषा भी पढ़ ली और 2 के एग्जाम्पल भी हो गए। अब आते हैं कोलाइड के गुणधर्म। फिर वही बात, कोलाइड के कौन सा गुणधर्म है और कौन सा गुणधर्म नहीं है। तो पहला, कोलाइड विषमांगी होता है, इसके कण जो है वो आंखों से दिखाई नहीं देते। आइए बताओ, दूध के अंदर कुछ दिखाई दिया आपको कोई कण तक? नहीं ना, तो खत्म हो गया। दूध को सामने रखो, समझ लो कोलाइड है, आपको सारे कैरेक्टर अपने आप याद हो जाएंगे। ये प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं, अभी बताया था टिंडल प्रभाव इसी की वजह से होता है, ये प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं। और अगर इसको शांत छोड़ दे तो क्या होगा? अगर इसको शांत छोड़ दिया जाए तो ये कण तल में बैठते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कई बार, आप ध्यान से देखना, आप अगर छाछ की थैली लाते हो ना, छाछ मट्ठा आपने सुना होगा, उस पर लिखा होता है शेक बिफोर यूज। अब दवाई लाओ, दवाइयों पे लिखा होता है शेक बिफोर यूज, बहुत सारी चीजें आपको लिखा, कोल्ड ड्रिंक कई बार लिखा होता है, कोल्ड ड्रिंक पे भी लिखा होता है, कई चीजें ऐसी होती हैं जिस पे लिखा होता है शेक बिफोर यूज। क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल बच्चों तली में बैठ गए हैं, तो उसको शेक करो तभी तो वो मिलेगा, तभी तो आपको पूरा मजा आएगा ना उसका, समझ में आया? तो ये है बेटा कोलाइड के गुणधर्म। ये विषमांगी है, इसके कण दिखाई नहीं देते, ये प्रकाश को फैला देते हैं, शांत छोड़ देने पर इसके कण तली में बैठ जाते हैं, और छानन विधि द्वारा इसको अलग नहीं कर सकते। दूध को छान के देख लो आज घर में, मम्मी का कोई काम भी हो जाएगा भाई, घर में दूध को छान के देख लो, मम्मी का कोई काम भी हो जाएगा, फिट और जाओगे बेटा, ऐसा मत करना, दूध को मत छानना, कुछ नहीं होगा उसमें। तो ये मिश्रण को पृथक नहीं किया जा सकता। और कोलाइड के उदाहरण तो बहुत जरूरी है, तो कोहरा, दूध, बादल, झाग, मक्खन, ये सब किसके एग्जाम्पल है बेटा? ये सब एग्जाम्पल है कोलाइड के, ठीक है? ये सब कोलाइड के एग्जाम्पल है, याद रखोगे, ये सब बेटा कोलाइड के एग्जाम्पल है। आगे बढ़ते बेटा,
कोलाइड के विलयन के अवयव। अब कोलाइड के विलयन के भी दो भाग होते हैं, एक होता है प्रक्षिप्त प्रावस्था, एक होता है प्रक्षेपण माध्यम। ठीक है, कोलाइड के दो भाग होते हैं, एक प्रक्षिप्त प्रावस्था, एक प्रक्षेपण माध्यम। अब आगे बढ़ते हैं, अब ये नहीं पूछेगा आपसे, कभी आज तक नहीं आया एग्जाम में, कभी आज तक ये एग्जाम पर नहीं आया प्रक्षिप्त प्रावस्था प्रक्षेपण माध्यम, ये नहीं आया। लेकिन आज तक मुझे ये याद नहीं है कि कोई सा स्टेट का एग्जाम हो और ये वाला टेबल ना आया हो। 110% एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। क्या पूछता बता दूं? आपसे पूछेगा द्रव और गैस को मिला देंगे क्या बनेगा, बच्चों से एरोसोल बोलेंगे। ठोस और गैस को मिलाकर क्या बनेगा, ये भी एरोसोल बनेगा। तो आपको याद करने का तरीका बताता हूं। एरोसोल दो होता है, कौन, द्रव में गैस मिला लो या ठोस में गैस मिला लो, एरोसोल होगा। ठीक है, अब आता है फॉर्म। फॉर्म कब बनेगा, गैस में द्रव मिला दो, गैस में क्या मिला दो, द्रव मिला दो, या फिर गैस में ठोस मिला दो, तो इन दोनों केस में बेटा फॉर्म बनता है। ठीक है, अब आता है इमल्शन। इमल्शन कब बनता है, जब द्रव में द्रव मिलता है, द्रव में द्रव मिलता है तो इमल्शन बनता है। ठोस और द्रव, ठोस और द्रव मिलकर क्या बनता है, सोल बनता है। ये क्या बनता है, सोल बनता है। और द्रव और ठोस, द्रव और ठोस दोनों मिलकर बेटा, अगर दोनों द्रव और ठोस को मिला दिया जाए तो दोनों मिलकर जेल बन जाता है। ठीक है, और ठोस और ठोस को मिला दिया जाए तो वो ठोस सोल बन जाता है। अब कहोगे सर जी तो बड़ा कंफ्यूजन है, कोई किससे मिल रहा है, हमें तो पता ही नहीं चल रहा। तो उसका एक तरीका, ये रहा ना तरीका, उदाहरण। मैं कहूंगा एक एक एग्जाम्पल सबका याद कर लो, आपको जिंदगी भर याद रहेगा कौन किसका। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, बादल। आपको पता है बादल कब बनते हैं, बादल जो बनता है वो द्रव और गैस दोनों को मिलकर बनता है, तो एरोसल। तो बादल एरोसल, बादल और एरोसल, बादल को एरोसल बोलते हैं, और बादल दो चीजों से मिलकर बनता है, द्रव और गैस। इससे आपको याद रहेगा। एरोसल का एग्जाम्पल धुआं याद रख लो, तो धुएं के अंदर क्या होता है, ठोस भी होते हैं और गैस भी होते हैं, तो ये धुआं हो गया इसका एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल याद कर लो, ऐसे ही शेविंग क्रीम आपके घरों में यूज होता है ना, शेविंग क्रीम वो फॉर्म है, तो उसके कैसे बनते हैं, वो गैस और द्रव से मिलकर बनते हैं। उसके बाद आता है दूध, दूध दूध द्रव और द्रव मिलकर बनता है, तो इमल्शन है। ऐसे ही ठोस और द्रव, तो मैग्नीशियम का दूध, पेंट मैग्नीशियम का दूध, ये जो होता है ठोस और द्रव। तो आप एक एक एग्जाम्पल सबका याद कर सकते हो, लेकिन ये हर बार एग्जाम में जरूर आता है। एक बार लास्ट बार बताता हूं, द्रव गैस एरोसल, ठोस गैस एरोसल, गैस द्रव फॉर्म, द्रव द्रव इमल्शन, ठोस द्रव सोल, गैस ठोस फॉर्म, द्रव ठोस जेल, और ठोस 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 सोल। ये तो याद ही हो जाएगा, ठोस 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 सोल। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार से आपको ये याद करना पड़ेगा, क्योंकि इनमें से एक हर साल एग्जाम में जरूर आता है कि इनको मिलकर क्या बनता है। अब आते हैं मेन क्वेश्चन पे, जो हर साल रिपीटेड आ रहा है, मेथड्स। बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप उठा के, मैं मेरी बात पर भरोसा मत करो, मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डाल रखे हैं ना यूट्यूब पे, आप वहां जाके देख लो, आपको जरूर मिलेगा, मेथड जरूर आते हैं। और हर चैप्टर में से याद करो दो या तीन क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई एक चैप्टर तैयारी करके जाओगे, हर चैप्टर में से दो या तीन क्वेश्चन आते हैं, तो मेथड दो जरूर आएंगे कम से कम। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए ध्यान दीजिए। रंगीन अवयव डाई को नीली और काली स्याही से अलग करने के लिए कौन सा मेथड यूज होता है, तो आंसर दोगे बेटा वाष्पन विधि। डाई होते ना घर में, देखा होगा ना घर में डाई लगाते ना बालों के अंदर, तो उसको अलग करने के लिए कौन सा मेथड यूज होता है, तो वाष्पन विधि। अगला आता है अपकेंद्रीय विधि। अपकेंद्रीय विधि का इस्तेमाल कहां कहां होता है, इसका इस्तेमाल होता है रक्त और यूरिन के जांच में, रक्त और यूरिन के जांच में। दूसरा, घरों में क्रीम से मक्खन अलग करने के लिए, क्रीम से मक्खन अलग करने के लिए, और वॉशिंग मशीन में। इन तीनों जगह पर किसका इस्तेमाल होता है, अपकेंद्रीय विधि का। अच्छा, दूध में से कभी आपने क्रीम निकाला है, दूध में से क्रीम अगर किसी को पसंद हो, या घर में मम्मी ने इकट्ठा किया हो घी बनाने के लिए, करा है ना, तो वो अपकेंद्रीय विधि है बेटा, क्योंकि क्रीम हल्का होता है वो दूध के ऊपर आ जाएगा, क्रीम हल्का होता है वो दूध के ऊपर आ जाएगा, वो सब आसानी से निकाल सकते हो, तो अपकेंद्रीय विधि का एग्जाम्पल है। तो दूध में से क्रीम अलग करो, क्रीम में से मक्खन अलग करो, रक्त में से रक्त और यूरिन की जांच करो, या वॉशिंग मशीन में से गीले कपड़ों को पानी निकालने के लिए, इन सब में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, अपकेंद्रीय विधि का इस्तेमाल करते हैं, याद रखना। ठीक है बेटा, अपकेंद्रीय विधि का इस्तेमाल कहां कहां होता है, याद हो गया, रक्त और यूरिन की जांच में, घरों में से क्रीम में मक्खन अलग करने के लिए, वॉशिंग मशीन में, और एक मैंने एग्जाम्पल बताया
दूध में से क्रीम को अलग करने के लिए, और वो तो हर बार ही आ रहा है, वही एग्जाम्पल आता है हर बार, दूध में से क्रीम अलग करना। पृथक्करण की का इस्तेमाल कहाँ होता है, तो तेल और पानी को अलग करने के लिए। अगर तेल में पानी मिल जाए ना तो तेल हल्का होता है, वो पानी के ऊपर आ जाएगा, तो वो तेल और पानी को अलग करने के लिए और धातु शोधन के लिए, लोहे को अलग करने के लिए, धातु शोधन में लोहे को अलग करने के लिए। इतनी सारा क्यों याद करोगे, सिंपल से तीन वर्ड याद कर लो। पृथक्करण की तेल और जल को अलग करने के लिए, पहला धातु शोधन के दौरान लोहे को अलग करने के लिए, खत्म हो गया। इतनी बातें याद करने की आवश्यकता क्या है, सिंपल रखो अपने आप को, ज्यादा अच्छे रैंक ले आओगे। अच्छा, नमक को ना अमोनियम क्लोराइड से अलग करना पड़ता है, तो कौन से मेथड से, ऊर्ध्वपातन विधि से। याद रखोगे, नमक को अमोनियम क्लोराइड से अलग करना पड़ता है, कौन से मेथड से, ऊर्ध्वपातन विधि से। ठीक है, इतनी बात याद रखना, नमक और अमोनियम क्लोराइड का संबंध ऊर्ध्वपातन विधि से। और ऊर्ध्वपातन विधि का कहां कहां इस्तेमाल होता है, तो ऊर्ध्वपातन विधि का इस्तेमाल होता है बेटा अमोनियम क्लोराइड में, आप ऊपर पढ़ चुके हो। दूसरा कपूर और नेफ्थलीन में, एंथ्रासीन में और बेंजोइड एसिड में। इनमें से कुछ भी आ जाए ना, आंखें बंद करके ऊर्ध्वपातन पे टिक कर देना, नागिन की आंखों रख लेना बेटा, नागिन वाली आंखें, बिल्कुल सटीक निशाना मारना है। इनमें से कुछ भी आ जाए आप डायरेक्ट ऊर्ध्वपातन पे टिक कर देना, बिल्कुल 100% आंसर आपका सही आएगा। अगला आटर का वर्ण प्रक्रम या क्रोमेटोग्राफी विधि। क्रोमेटोग्राफी विधि का इस्तेमाल कहां होता है, तो इसका इस्तेमाल होता है विलेय में से विलायक को अलग करने के लिए, विलेय में से विलायक को अलग करने के लिए। क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल कहां होता है बेटा, विलेय में से विलायक को अलग करने के लिए। ठीक है, अगला आता है क्रोमेटोग्राफी का और कहां इस्तेमाल होता है, तो इसका इस्तेमाल होता है नीली और क्राही स्याही में से डाई के रंग को अलग करने के लिए। अभी जो आपने पढ़ा था ना वाष्पीकरण विधि, उसमें हमने डाई को अलग किया था, इसमें कलर को अलग करें, ध्यान से देखो डाई का रंग, अगर रंग की बात हो ना, रंग को अलग करने के लिए, तो वहां पे कंफ्यूज मत होना, वहां वाष्पीकरण विधि मत लगा देना, वहां बेटा क्रोमेटोग्राफी यूज होगा। कहीं भी रंग की बात हो, रंग का संबंध क्रोमेटोग्राफी से होता है, याद रखना। तो रंग को अलग करने के लिए क्रोमेटोग्राफी विधि का इस्तेमाल होता है। और कहां इस्तेमाल होता है, तो वही रंगों को अलग करने के लिए, प्राकृतिक रंगों को अलग करने के लिए, और रक्त में नशीले पदार्थों को पृथक करने के लिए, रक्त में से नशीले पदार्थों को पृथक करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि कोई ड्रग्स, जो ड्रग्स का इस्तेमाल करके कोई गाड़ी चला रहा है, पुलिस वालों से पकड़ लिया। अब अगर डैक कोर्ट ले जाएंगे ना बेटा, तो पुलिस वालों की डांट पड़ जाएगी, भाई तुम इसे क्यों पकड़ के लिया है, क्योंकि 24 घंटे के अंदर तो उसका नशा छूट जाएगा। तो पुलिस वाले क्या करते हैं, तुरंत उस व्यक्ति को हॉस्पिटल ले जाते हैं, और आपने न्यूज सुना होगा मेडिकल जांच होती है, तो मेडिकल जांच में क्या करते हैं, उसका ब्लड सैंपल ले लेते हैं। ब्लड सैंपल लेकर क्रोमेटोग्राफी मेथड से चेक करते हैं कि उसमें ड्रग्स है, मिल गया तो कोर्ट के सामने पेश कर देंगे, देखो जी हमने तो ब्लड टेस्ट कराया था, इसमें ड्रग्स था, इसे हमने पकड़ा, समझ में आया। तो इसलिए मेथड डालना जरूरी है कि क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल रक्त में से नशीले पदार्थ को अलग करने के लिए किया जाता है। ऐसे ही पानी और अल्कोहल के मिश्रण को अलग करने के लिए कौन सा विधि होता है, आसवन विधि। पानी में से अल्कोहल को अलग करने के लिए आसवन विधि इस्तेमाल होता है। अब आप कहोगे पानी में तो सर जी अल्कोहल में तो पानी मिलाते हैं, अलग क्यों करेंगे। बच्चों, अल्कोहल केवल पीने के लिए यूज नहीं होता, बहुत सारी दवाइयों में इस्तेमाल होता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, उन अल्कोहल को जिनका इस्तेमाल दवाइयों में हो रहा है ना, उसमें से पानी को निकाल देती है, ताकि हर कोई अल्कोहल का कंजप्शन शुरू ना कर दे, ऐसे तो बहुत ज्यादा संख्या बन जाएगी अल्कोहल वाले की। तो अल्कोहल में से पानी को निकाल दिया जाता है, ताकि उसका इस्तेमाल दवाई वगैरह में हो सके। तो अल्कोहल में से पानी को अलग करने की विधि का नाम क्या है, आसवन विधि, याद रखोगे। तो एक तो आपने जान लिया कि पानी में से अल्कोहल अलग किससे होता है, आसवन विधि से। और एक और बहुत बड़ा इस्तेमाल है इसका, क्या इस्तेमाल है, आसवन विधि का एक और प्रयोग है, जिन घटकों के क्वथनांक के मध्य अधिक अंतर होता है, जिनके क्वथनांकों के मध्य अधिक अंतर होता है, कितना अंतर होता है बताता हूं, 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा। अगर दो लिक्विड के बीच, याद रखना मेरी बात को, अगर दो लिक्विड के बीच यहां लिख लेना, यहां ब्रैकेट में लिख लेना बेटा डाल के, अगर दो लिक्विड के बीच 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का गैप हो, तो वहां आसवन विधि का इस्तेमाल होता है। और बच्चों, वायु, वायु के अंदर 78% नाइट्रोजन है, 21% नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है, और 1% अन्य गैसों का मिश्रण है। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, इन गैसों को अलग अलग करना होता है, कभी यूज करने के लिए, जैसे ऑक्सीजन को अलग करना होता है,
तो वायु में से इन सबको अलग कैसे करें? तो वायु में से हम इन सभी गैसों को अलग कर सकते हैं। कौन से विधि थे? प्रभाजी आसवन। याद रखोगे ऊपर था आसवन विधि, ये था आसवन, ये है प्रभाजी आसवन। डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इंग्लिश में बोलते हैं। आसवन में पानी अल्कोहल को अलग करते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का गैप है, और प्रभाजी आसवन में वायु के अवयवों को अलग करते हैं। वायु को जो अलग अलग गैस है ना, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, इन सबको अलग करते हैं। कौन से विधि से? प्रभाजी आसवन से। ये लग हो गया। तो वायु को अलग करने के लिए प्रभाजी आसवन विधि यूज होती है। ठीक है, आगे पेट्रोलियम उत्पाद को अलग करने के लिए, पेट्रोलियम उत्पाद को किस किस प्रकार से अलग करेंगे? तो पेट्रोलियम उत्पाद को अलग करने के लिए भी हम प्रभाजी आसवन विधि का इस्तेमाल करते हैं। पेट्रोलियम में बहुत सारी चीजें होती है, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ठीक है, इन सब चीजों को अलग करने के लिए भी हम प्रभाजी आसवन का इस्तेमाल करते हैं। और यह हम पढ़ चुके हो कि वायु से गैसों को पृथक करने के लिए हम प्रभाजी आसवन का इस्तेमाल करते हैं। तो प्रभाजी आसवन के तीन इस्तेमाल बता दिए मैंने आपको, वायु का उपयोग अलग करने के लिए, पेट्रोलियम, और वायु में से गैसों को अलग करने के लिए। अच्छा, प्रभाजी आसवन का उपयोग कहां होता है? प्रभाजी आसवन का उपयोग वहां होता है जहां 25 डिग्री सेल्सियस से कम का अंतर हो, क्वथनांक का अंतर 25 डिग्री सेल्सियस से कम हो। यहां क्या बताया था मैंने ऊपर, आसवन विधि में 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का गैप हो, और प्रभाजी आसवन में क्या होता है? क्वथनांक के बीच 25 डिग्री सेल्सियस से कम का गैप हो। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आते बताया क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण का इस्तेमाल कहां होता है? तो ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में, ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में क्रिस्टलीकरण विधि का इस्तेमाल होता है। इसके दो सबसे ज्यादा उपयोग हैं। क्रिस्टलीकरण के दो उपयोग सबसे ज्यादा यूज होते हैं। पहला, समुद्री जल द्वारा नमक प्राप्त करना। आपसे पूछेगा, ये आ चुका है एग्जाम में कि समुद्र में से जो नमक हम प्राप्त करते हैं ना, पता होगा आपको ये बात, वो कौन सी विधि से? तो आप क्रिस्टलीकरण पे टिक करना, या ऐसे ही फिटकरी, फिटकरी का इस्तेमाल होता है ना, तो फिटकरी कौन सी विधि से अलग होती है? क्रिस्टलीकरण। तो एक नमक याद रखो, इतनी भी याद क्यों याद कर रहे हो, इतना भी क्यों याद करें, इतना याद करो ना, नमक और फिटकरी। नमक आए तो भी क्रिस्टलीकरण, फिटकरी आए तो भी क्रिस्टलीकरण, खत्म हो गया। अब आते बेटा भौतिक परिवर्तन की, भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, भौतिक परिवर्तन से क्या समझते हो? तो जब पदार्थ की संरचना में कोई अंतर नहीं होता, जब पदार्थ की संरचना में कोई अंतर नहीं होता तो उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि आपके पास एक कागज है, कागज को आपने फाड़ दिया, उसको काट दिया, कागज को काटने के बाद भी तो कागज है ना, अभी तो उसे कागज ही बोलोगे, तो भौतिक परिवर्तन है क्योंकि उसकी संरचना में कोई परिवर्तन नहीं आया। पानी से बर्फ बनना, अगर पानी से बर्फ बना दें, पानी से अगर बर्फ बना दें और वापस बर्फ को पानी भी तो बना सकते हो, तो ये भौतिक परिवर्तन है क्योंकि इसकी संरचना में कोई अंतर नहीं आया। फिर रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है जिसमें नया पदार्थ बनता है, नया रासायनिक पदार्थ बनता है, कुछ नया बनता है पहले से बिल्कुल अलग। जैसे दूध से दही बनाना, आपने दूध से दही बना दिया तो दूध अलग चीज है, दही अलग चीज है, तो नया पदार्थ बनाना। आपने कागज को जला दिया तो जलने के बाद कागज तो नहीं मिला, आप कागज थोड़ी बोलोगे कागज है। तो रासायनिक परिवर्तन वो होता है इसमें नया पदार्थ बनता है, और भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता, ये दोनों के अंदर अंतर है। अच्छा, जो पदार्थ होते हैं बेटा वो दो प्रकार के होते हैं। पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? दो होते हैं, एक होता है तत्व, एक होता है यौगिक। तो एक ऑप्शन में आएगा पदार्थ के प्रकार बताइए, तो तत्व, यौगिक, अगर तीसरा ऑप्शन दोनों है तो दोनों टिक कर दो। ठीक है, अगला आता है तत्व। तत्व क्या होता है? तो तत्व पदार्थ का वह मूल संरचना है जिसे किसी रासायनिक प्रक्रिया द्वारा सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। तत्व वो पदार्थ होता है बच्चों जिसको किसी भी मेथड द्वारा, चाहे भौतिक मेथड हो या रासायनिक मेथड हो, कोई भी मेथड हो दुनिया का, उसे हम अलग ही नहीं कर सकते। जैसे शुद्ध सोना तत्व है, अगर आप इसे तोड़ भी दोगे रासायनिक विधि से, तो तोड़ने के बाद भी तो सोना ही बचाना भाई। इसलिए तत्व जो होता है वो पदार्थ होता है जिसको हम किसी भी रासायनिक विधि से अलग नहीं कर सकते। तत्व बेटा तीन प्रकार के होती है। तत्व तीन प्रकार का होता है, एक होता है धातु, एक होता है अधातु, और एक होता है उपधातु। याद रखोगे तत्व कितने प्रकार होते हैं? तत्व तीन प्रकार के होते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। याद रखना, तत्व तीन प्रकार के होते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। अब ये तो मुझे लगता है सबको याद होगा कि धातु के कौन कौन से गुण होते हैं, सबको पता होना चाहिए। चमकीले होते हैं, विद्युत का सुचालक होता है, इनमें तन्यता पाई जाती है, इनमें आघात वर्धता पाई जाती है। एक एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, कुछ भी याद कर लो। बस मरकरी जो है वो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है।
बस ये अलग से याद करना, मरकरी जो होता है वो कमरे के तापमान पर, धातु है ये लेकिन कमरे के तापमान पर द्रवस्था में पाई जाती है। देखिए अब मैंने इतना सारा लिख रखा है लेकिन मैंने आपको नहीं समझाया, क्यों? ये मैंने लिखा है ना आपको समझाने के लिए, आप क्यों टेंशन लो, आप सिंपल याद रखो ना, धातु लिख लो चमकीली कौमा सुचालक कौमा तन्य कौमा अधाकवर्ता, बस हो गया आंसर, गोल्ड सिल्वर तो याद ही रहेगा आपको, मरकरी अलग से याद करना, मरकरी कमरे के तापमान पर द्रवस्था में पाया जाता है, किधर हो गया? तो ये सब जो गुण थे बाबू धातु के थे बेटा। अगला आता बेटा उपधातु। उपधातु क्या होता है? तो वो तत्व जिसके गुण धातु और अधातु के मध्य होते हैं, ऐसे कुछ पदार्थ होते हैं जो धातु से भी मैच करते हैं और अधातु से भी मैच करते हैं, तो उन्हें हम उपधातु कहते हैं। तो ये परिभाषा कभी नहीं आया, हाँ एग्जाम्पल जरूर आया कि इनमें से कौन सा उपधातु है, जैसे ये अधिकतर आता है सिलिकॉन, तो सिलिकॉन हो गया, बोरोन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये सब क्या है बेटा? उपधातु है। एग्जाम में कैसा आता है चलिए बताता हूँ, एग्जाम में ऐसा आता बेटा इनमें से कौन सा उपधातु है, सोना चांदी सिलिकॉन कॉपर, ऐसा कुछ भी एग्जाम्पल दे देगा आपको, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो उपधातु का एग्जाम्पल सिलिकॉन या बोरोन या जर्मेनियम होता है, ये तीन एग्जाम्पल ही आते हैं, इसे मैंने तीन ही एग्जाम्पल अधिकतर लिखे हैं। इसके अलावा और याद करना हो तो अभी मैं और चैप्टर अपलोड करूंगा, उसमें और आएंगे उपधातु के एग्जाम्पल, जब केमिस्ट्री का चैप्टर कराऊंगा आपको तो 7 चैप्टर है शायद, उसमें आएगा बहुत सारे एग्जाम्पल उसके अंदर आएंगे। अधातु के उदाहरण, अधातु के कौन कौन से उदाहरण है, यह अधातु है तो उपधातु है, ये अधातु है, धातु कौन कौन से है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन आयोडीन कार्बन, ये सब अधातु है, ठीक है, ये सब क्या है, जितने भी गैस होती है वो बेटा सब अधातु है, याद करने की आवश्यकता क्या है, जो भी गैस है ना ऑक्सीजन कार्बन नाइट्रोजन वो सब अधातु होते हैं। तत्व शब्द सबसे पहले किसने खोजा, रॉबर्ट पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1661 में तत्व शब्द का प्रयोग किया था, याद रखोगे तत्व शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, रॉबर्ट ने किया था, रॉबर्ट बॉयले था पूरा नाम, रॉबर्ट बॉयले ने किया था, कब किया था 1661 में, 1661 में तत्व शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल रॉबर्ट बॉयले ने किया था। नेक्स्ट बात है बेटा यौगिक क्या होता है, तो यौगिक होता है दो या दो से अधिक तत्वों का मिलना, दो या दो से अधिक तत्वों का मिलना, जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, बेस्ट एग्जाम्पल हो पानी का, पानी का फॉर्मूला सबको पता है H2O, तो हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन भी है, दो हो गए ना हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो यौगिक बन गया। और एग्जाम्पल लो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, तो एच भी है एस भी है ओ भी है, भाई हाइड्रोजन भी है सल्फर भी है ऑक्सीजन भी है, तो वो यौगिक है। तो जब दो या दो से अधिक तत्व मिल जाते हैं बेटा तो वो यौगिक बन जाता है, ठीक है, ये टेबल दे रखा है, हालांकि आपके पेपर में डिफरेंस तो आएगा नहीं, फिर भी एक छोटा सा याद रखो, तत्व को हम किसी भी रासायनिक विधि से अलग नहीं कर सकते, नहीं तोड़ा जा सकता, जबकि यौगिक को हम तोड़ सकते हैं। पहला अंतर तो ये समझ में आ गया, तत्व को हम रासायनिक विधि से तोड़ नहीं सकते, यौगिक को हम रासायनिक विधि से तोड़ सकते हैं। तत्व एक ही प्रकार के परमाणु से बनता है, तत्व एक ही प्रकार के परमाणु से बनता है, यौगिक दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु से बनता है, ठीक है बेटा। तो ये था आपका डे टू जिसमें आपने पूरा चैप्टर करा, बहुत बड़ा चैप्टर था, बट अगर आप ये कर लोगे तो आप एग्जाम में कभी मार नहीं खाओगे अगर आप इसके अकॉर्डिंग चलोगे। तो आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, आप उन बच्चों के साथ जरूर शेयर करें, आपके कॉन्टैक्ट में होंगे सारे बच्चे जो पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे होंगे, ये मत सोचिए कि आप तैयारी कर लोगे दूसरा बच्चा तैयारी नहीं करेगा तो आपकी रैंक अच्छी आ जाएगी, कंपटीशन एग्जाम बेटा, आप साथ में बैठो अपने दोस्तों को शेयर करो, उनको भी बोलो वीडियो देखें, वो भी करेंगे, दोनों फिर आपस में डिस्कस करो कि किसको कितना याद हुआ, ठीक है, इससे और अच्छी तैयारी हो जाती है, आप दूसरों का भला करते हो उसमें आपका और अच्छा रिजल्ट आता है, बशर्ते कि आप ये सोच के बैठो कि केवल मैं अपनी तैयारी कर लूंगा, ठीक है बेटा। नमस्ते बेटा, आप अच्छे से तैयारी करना, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक आपको।